नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दोस्तों जारी करा गया है साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी आंध्र प्रदेश लिमिटेड की तरफ से। सभी भारतीय आवेदन कर सकते हैं, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर दोस्तों, ये जो है इसकी रिक्रूटमेंट निकली है। 26/3 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 25/4/2019 से आवेदन जो है वो चलेंगे, यानी कि 25 तारीख तक आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 20 है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जो कि कैटेगरी वाइज जो है वो बटी हुई है, इनकी कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें रिजर्वेशन की, तो लोकल कैंडिडेट को 70% जॉब्स मिलेगी और 30% जो है वो ओपन कंपटीशन है, यानी कि कोई भी इसमें जो है आवेदन कर सकता है, क्योंकि ये इनका क्राइटेरिया है। यानी कि 70% जो है वो लोकल कैंडिडेट को ही जॉब मिलेगी, बाकी 30% जॉब जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे लोकल कैंडिडेट हो या बाहर की स्टेट से। तो आप देख लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन विजिट करना मत भूलिएगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो ₹200 की दोस्तों फीस तो लगेगी लगेगी अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, और ₹500 की फीस जो है वो साथ में आपको देनी है अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो, या ओबीसी से हैं। ₹500 और ₹200 ये रजिस्ट्रेशन फीस है। आप जब अप्लाई करेंगे आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो SC ST से हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको ₹500 पे करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ₹200 की फीस से ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट बाहर की स्टेट से अप्लाई करें, उनको ₹200 भी देने और ₹500 भी देने। तो ये क्राइटेरिया है, इसको आप जब रीड करेंगे समझ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करिए कि, तो 18 से लेके जो है वो 42 साल तक के जो है वो मार्क की गई है, यानी कि 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, जो 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी, बाकी आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ शायद आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट, साउथ के कैंडिडेट को ही मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, BE BTEC अगर आपने दोस्तों इलेक्ट्रिकल में करी हुई है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करी हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे दोस्तों पे स्केल जो है वो दिया हुआ है, 60,000 से लेके 1 लाख तक जो है वो पे स्केल आपका होने वाला है। 2 साल में जो है आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके दौरान भी आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद जब 2 साल पूरे कर जाएंगे उसके बाद रेगुलर पे मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर विजिट करें, बिना नोटिफिकेशन को रीड करें अप्लाई मत करिएगा। तो ये तो थी दोस्तों नोटिफिकेशन की बात। अब मैं ले चलता हूं आपको सीधे उनकी वेबसाइट पर, बता देता हूं कहां पे जाके आपको इसके लिए जो है आवेदन करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है, लिंक मैं ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करेंगे सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि 26/3/2019 से 24/4/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स बने हुए हैं पेमेंट के और एप्लीकेशन के, लेकिन पेमेंट करने से पहले, एप्लीकेशन जो है वो फिल करने से पहले आप एक बार जो है वो नोटिफिकेशन जरूर जो है वो रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जो फ्री वाली जॉब्स होती है उसमें आप जो है वो खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो इसमें जो है वो फीस के साथ कुछ मत करिएगा, किसी की एडवाइस लीजिए और फिर जो है वो पेमेंट करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पैसे खराब हो जाएं, तो इसके लिए जो है वो ध्यान रखिएगा। सो बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बाकी मैं अलग से लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।